वेलकम अगेन। सो स्वागत है आप सभी का दोबारा एक नई वीडियो में। भाई सामने देख सकते हो, हमारे सामने खड़ी हुई है पंच और हमेशा की तरह क्लासिक डेकोरा राहुल भैया। ठीक है, तो वीडियो क्या आप समझ गए होगे भाई। ठीक है, तो हमेशा की तरह भाई एक ही दुकान है हमारी, क्लासिक डेकोरा, और सामने खड़ी है पंच। अगर पंच की बात कर ले भाई, पंच हमारी सबसे बेस्ट गाड़ी है टाटा की, जो कि एक बजट में आती है। आपको उसका CNG वेरिएंट मिल जाएगा 7.23 लाख समथिंग कुछ करके, इतने में आपको उसका बेस मॉडल मिल जाएगा, वो भी CNG वाला। ठीक है, और एक बार इंजन की बात कर ले, इंजन आपको इसमें टोटल मिल जाता है 1199, यानी बोला जाए तो पूरा 1200 cc का एक इंजन मिल जाएगा। और पावर की बात कर ले तो भाई 72.41 से 86.63 BHP की पावर प्रोड्यूस करती है, और टॉर्क आपको मिल जाता है इसमें 115, यानी 115 Nm का टॉर्क मिलने वाला है। और आपको दो इसमें ऑप्शन मिल जाते हैं, मैनुअल मिल जाएगी, ऑटोमेटिक मिल जाएगी, पर मैनुअल ज़्यादा लोगों की चॉइस मैनुअल ही है, ऑटोमेटिक कोई इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मतलब करते हैं बट मोस्टली लोग हैं ना तो उनको वही पसंद है मैनुअल। ठीक है, और माइलेज की गाड़ी की बात कर ले भाई, गाड़ी की माइलेज कितनी रहती है, तो इस गाड़ी की आपको माइलेज मिल जाती है 18.8 से 20.9 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपको माइलेज मिल जाएगी। और अगर ग्लोबल रेटिंग की बात कर ले भाई, ग्लोबल रेटिंग इसको मिलती है सेफ्टी के मामले में पूरी 5 स्टार। ठीक है, तो कुछ ऐसी रहने वाली हमारी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। और एक इसमें बात कर लेते हैं, इसमें क्या क्या मतलब अपडेट होने वाला है, क्या क्या मॉडिफिकेशन होने वाली है, तो वो सारी चीज़ें भाई बात की बातें वो पहले चलते राहुल भाई के पास और उनसे पूछते हैं इस गाड़ी में क्या क्या काम होना है। ठीक है, तो भाई राहुल भाई तो अभी थोड़े से बिजी हैं, तो मैं ही बता दूं आपको इस वाली पंच में काम का क्या हो रहा है। तो भाई पर बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चल के। तो इंटीरियर में सबसे पहले जो चेंज होता था हमारा सीट कवर का होता है, तो सीट कवर भाई चेंज कर दिए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, सीट कवर हमारे प्रॉपर चेंज कर दिए हैं, ये देखो। और पन्नी इस मारे चढ़ा दी ताकि भाई नई वाली फीलिंग हमेशा हमेशा बनी रहे। और आगे का दिखा दूं भाई, आगे की एक सीट का भी काम नहीं हुआ है, और बाकी सारा का सारा जो हो चुका है कंप्लीट। जैसे कि आपको मैं मेन सीट दिखाता हूँ भाई, मेन सीट देखो भाई, वापस पन्नी चढ़ा दी हमने, ये चीज़ चेक करो। ठीक है, ताकि नई वाली फीलिंग हमेशा बनी रहे, ऐसा भैया कहना था। और दूसरी बात जो चेंज हमारा वो स्टेयरिंग कंट्रोल का, ये चीज़ देख लो भाई, ये पूरी की पूरी चीज़ चेंज हुई है। मैं आपको इसका पुराना पार्ट दिखाता हूँ कि पुराना, ये एक मिनट, ये चीज़ देखो भाई, ये पूरा पूरा एरिया चेंज हुआ है। ये बोलते हमारा स्टेयरिंग कंट्रोल, इसे हटा के हमने रिप्लेस कर दिया इसमें, और ये ऑल वर्किंग है, प्रॉपर वर्किंग है, ओनली क्रूज कंट्रोल को छोड़कर। ठीक है, तो इसके बाद बात कर लेते हैं गाड़ी में जो हमारे कॉम्पोनेंट लगे, कॉम्पोनेंट आगे हमारे दो लगे हैं सोनी के। देखो भाई पास दिखाता हूँ, ये देखो भाई आगे हमारे लगे हैं दो सोनी के कंपोनेंट, और पीछे की तरफ बात कर लेते हैं, पीछे हमारे लगे इसमें सोनी के सेम कोएक्सल, ये देखो भाई। ठीक है, तो सिस्टम की तो बात कर ले, सिस्टम हमारा पूरा सोनी का लगा है। और एक बार बात करते हैं स्टीरियो की, स्टीरियो जो कि कंपनी में यानी बेसिक मॉडल में जो बेस मॉडल था उसमें कुछ नहीं आता, तो यहाँ पे हमने लगा दिया भाई स्टीरियो। स्टीरियो चेक करो भाई, अल्ट्रा ऑडियो का हमारा होने वाला है। और स्पेसिफिकेशन की बात कर ले भाई, 4x32 की हमें स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है, एक बढ़िया मतलब हैंगिंग वैंगिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, 32 GB इंटरनल स्पेस आपको मिल जाएगा। और प्रॉपर कुछ भी डाउनलोड करो, कुछ भी करो, कोई सा भी एप्लीकेशन करो, थर्ड पार्टी प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा प्रॉपर। और जैसे कि फोन होता है ना भाई, सेम फोन वाली फीलिंग आपको इसमें मिल जाएगी, फर्क इतना होता है बस बड़े डिस्प्ले है, बस वही मानना। ठीक है, तो और बात कर लेते हैं भाई नीचे की तरफ की, नीचे की तरफ हमारे इसमें लगने वाले 70 मैट के बाद चलते हैं गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ, यानी बाहर की तरफ, बाहर में क्या क्या काम हो रहा है। और तो सबसे पहले चलते हैं फ्रंट की तरफ, फ्रंट में जो काम हुआ है हमारा भाई, देख सकते हो फ्रंट एंड बैक का डिफ्यूजर लगा है, वो भी GT वाला, और अभी भी इसकी इंस्टॉलेशन चल रही है। और यहाँ बात करते हैं, यहाँ हमारी चेंज होने वाली हमारी फॉगलाइट, तो फॉगलाइट हमारी तो होने वाली है, मिंडा की होने वाली है। और भाई बैक की पोस्ट की तरफ चलते हैं, तो बैक की तरफ जो हमारा जो काम हो रहा है भाई, हमारा यहाँ पे मेन होना है कैमरे का। कैमरे की एक बार बात कर ले भाई, कैमरे की फिटमेंट आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है, कैमरे के बाद जो हमारी चीज़ है हमारा चेंज होने वाला रिफ्लेक्टर, तो रिफ्लेक्टर का ये एरिया देख लो भाई, ये कुछ नहीं देती कंपनी नॉर्मल सा, तो इसको हम चेंज कर देंगे पूरा, जो हमारा डाउन साइड जो फॉल होता है रिफ्लेक्टर आता है हमारा, तो वही सेम रिफ्लेक्टर लगने वाला है पंच में। ठीक है, और भाई जैसे कि एक बार दिखा दूँ, हमारे इस एरिया में हमारी लगने वाली है वेलकम लाइट, जो कि हमारे चारों डोरों के लिए आती है और प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ आती है पंच की, जिसमें से ब्लू रंग की लाइट निकलती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा ही होगा भाई पंच। ठीक है, और सारे तरह हमारे चारों डोरों में हमारी लग जाएगी हमारी जो वेलकम लाइट है। और उसके बाद जो चेंज आ रहा है, जो मेन जो गाड़ी की शान बढ़ाता है भाई, हमारी इन जगह पर जो लगती है चारों डोरों पर, वो होने वाली है हमारी K4 की एम्बियन लाइट, जिसमें आपको मिल जाएंगे मल्टी फंक्शन, मल्टी मोड, कई सारी चीज़ें हमारी, ये मान लो क्लब बन जाता है भाई गाड़ी का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी लगने वाली है एम्बियन लाइट। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई ऊपर की तरफ, हमारा लगने वाला हमारा एंटीना, शार्क एंटीना। ठीक है, और जैसे कि मैं दिखा दूँ, इसमें सेंट्रल लॉकिंग नहीं थी, तो इसमें सेंट्रल लॉकिंग हो चुकी है हमारी टॉर्क की, जिसकी मिल जाती है आपको फ्लिप की। फ्लिप की अभी बनने के लिए गई है, मैं आपको एंड में दिखा दूँगा कि फ्लिप की तो हमारी आ जाएगी। भाई देखो हमारी छत की तरफ हमारी लगने वाली रूफ रेल भाई, जो कि इस एरिया पे आपको मिल जाएगी एंड में, मैं दिखा दूंगा इसका फाइनल जब होगा। ठीक है, रूफ रेल के बाद बैक की बात कर लेते हैं दोबारा, तो बैक में हमारा लगने वाला स्पॉइलर। इन सारी चीज़ों की मैंने पर्टिकुलर रील बना के डाल दूंगा भाई, हमारा इंस्टा वाला पेज हमेशा फॉलो कर लो, उस पर आपको रेगुलर अपडेट मिल जाएंगे, रेगुलर रील मिल जाएगी, रेगुलर पोस्टिंग मिल जाएगी, और कई सारे भाई ऑफर ऑफर भी डालते रहते, तो सब कुछ उस पर मिल जाएगा। तो एक बार देखो फॉगलाइट आ गई हमारी, फॉगलाइट देखो भाई आपके सामने खड़ी है भाई, खड़ी बोल रहा हूँ आपके सामने रखिए भाई, देखो मिंडा वाली फॉगलाइट अभी लग जाएगी, इंस्टॉलेशन चालू है, तो जैसे जैसे काम होगा वैसे वैसे दिखाता रहूँगा, जैसे ही कुछ चेंजेस आएंगे तो बीच में बता दूंगा कि चेंजेस क्या क्या आए हैं। और बाकी
मिलते हैं कुछ सिनेमैटिक शॉट्स के बाद, ठीक है। सिनेमैटिक शॉट के बाद आपको दिखाते सीधा गाड़ी का फाइनल की गाड़ी में क्या क्या काम हो चुका है पूरा कंप्लीट विद बजट, और बात भी करेंगे कस्टमर से कि कैसा लगा उन्हें हमारा जो वर्क है, हमारा जो मॉडिफिकेशन का जो काम है, और बात करेंगे अच्छी तरह, जितनी भी अच्छी तरह कन्वर्सेशन करेंगे, और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फाइनली भाई जितना भी काम था हमारी टाटा पंच का पूरा हो चुका है कंप्लीट। तो एक बार स्टार्ट कर देते हैं भाई आगे की तरफ से। तो भाई हमेशा की तरह मैं दिखा दूँ, आगे तो ज़्यादा कोई बड़ा चेंज नहीं आया। तो आगे तो चेंज आया भाई फॉग लाइट का आया, ये देखो जो कि हमारी मिंडा वाली फॉग लाइट लगी है। और इसका प्राइसिंग की बात कर लेंगे राहुल भैया से पूछवा लेंगे वो चीज़ भी लास्ट में, अगर राहुल भैया मिले तो, ठीक है। तो आगे देख लो भाई जैसे कि अपनी दोनों फॉग लाइटें हो गई है चेंज, और एक बार इनका थ्रो देख लो, थ्रो कुछ ऐसा है, कुछ ज़्यादा मतलब खास थ्रो नहीं होता बट बेटर होता है, डमी वाले पीस से तो ज़्यादा बेटर है। और अगर आप चाहो तो आपको इसमें एक ऑप्शन मिलता है कि आप इसके बल्ब चेंज करा सकते हैं, यानी येलो से वाइट भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तो कर लेते भाई हमारे जो ट्रेंडिंग वाली जो लाइट्स है भाई, जैसे कि आजकल हर गाड़ी में लगवा रहे लोग, हर गाड़ी में मोस्टली पहले थार में लगती थी, थार स्कॉर्पियो होगी तो उन सारी गाड़ी में लगती थी, तो आज हमने लगा दी इस वाली पंच में। और एक बार देख लो भाई बहुत बेटर लगती है, इसका जो येलो शेड है यानी दूर से ना अलग से दिख जाती है कि हाँ भाई गाड़ी आ रही है, ठीक है। तो आगे ये चेंज आया, और उसके बाद बात करते हैं हमारा ये जो जीटी किट लगी है, जीटी किट ये देखो भाई चेक करो भाई, जीटी किट भाई लुक को इतना ज़्यादा इन्हेंस कर देती है ना बहुत ज़्यादा। तो भाई जीटी किट अपनी पूरी इंस्टॉल हो चुकी है, ये देखो भाई प्रॉपर जीटी का हमारा सिंबल हो गया। तो आगे ये लगी है हमारी जीटी किट, और पीछे भी भाई सेम जीटी किट का ही वो लगा है, दिखाते हुए बैक पे आगे ले जाके ये चीज़ चेक करो भाई, ये हमारी जीटी किट लगी हुई है प्रॉपर, आराम से दिखा दीजिए प्रॉपर पंच की ब्रांडिंग है भाई, ये हट जाएगा यहाँ पे हमारा पंच लिखा बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारी जीटी किट, तो ये भी हो चुका है कंप्लीट। और एक बार चलते हैं हम गाड़ी के अंदर, और गाड़ी के अंदर चल के दिखाता हूँ क्योंकि गाड़ी के अंदर क्या चेंज आ गया यानी इंटीरियर में। तो सबसे पहले जो हमारी जो नज़र पड़ती है, हमारे नज़र जो पड़ती है गाड़ी में घुसती है, वो होता है हमारा स्टेयरिंग कंट्रोल। तो स्टेयरिंग कंट्रोल देख लो भाई आपके सामने आएगा, मैंने शुरू में भी दिखाया था कि ये पूरा एरिया चेंज कर दिया, ये जो जितना भी आपको ग्लॉसी और शाइनी दिख रहा है ये पूरा का पूरा यहाँ से हो चुका है चेंज, ठीक है। और बस भैया ने इस पर रैप नहीं करवाया, रैप करवा सकते तो इसका लुक ज़्यादा अच्छा होता। और बात कर लें इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो सीट कवर, सीट कवर देख लो भाई अपना डायमंड वाला, डायमंड कट का होने वाला, डायमंड कट विद वाइट थ्रेड अपनी होने वाली है। और सीट कवर देख लो भाई प्रॉपर वापस पैक करवा दिया, जैसे कि मैंने बताया था भैया ने बोलते वापस मतलब पैक कर देना इसको जैसा नहीं आया था, ठीक है। तो ये हो चुका प्रॉपर पैक, और 5 साल की इसमें प्रॉपर वारंटी मिल जाएगी भाई, जैसे भी कभी भी कोई दिक्कत हो फिजिकल डैमेज छोड़ के कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाए, यानी क्रैक्स आ जाते हैं भाई देखो, क्रैक्स आ जाए या ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी प्रॉपर 5 साल की वारंटी या सिलाई सिलाई खुल जाए, ठीक है। और किसी को भाई दिल्ली से बाहर मंगाना तो उसके लिए मैंने नंबर दे रखा नीचे भाई, कहीं भी मंगा लो ऑल इंडिया भाई, ऑल इंडिया डिलीवरी कहीं भी मंगा लो कभी भी मिल जाएगा। उसके बाद बात कर लेते हैं अपनी जो एम्बिएंट लाइट लगी थी भाई, ये देखो भाई अपनी प्रॉपर 10 पीसेस वाली हमारी एम्बिएंट लाइट होने वाली है, ये चेक करो भाई पीछे भी लगी है, और ये देखो भाई। और 10 पीसेस मैं एक बार आपको गिनवा दूं भाई, देखो हमारा पहला पीस 1 2 3 और ये 4 5, ठीक है, यहाँ नीचे, और हमारा बैक का जो एरिया वहाँ पर 6, और ये देखो 7 8, और टोटल मिला के मतलब 9 10 है ना, पीछे भी है इन वाली सीट्स के नीचे। तो एम्बिएंट लाइट होने वाली थी हमारी K4 भाई, किसी को भी चाहिए हो, हर चीज़ की मैंने प्रॉपर रील बना के डाल रखी है भाई, अब किसी को रील देखनी हो हमारा इंस्टा पेज फॉलो कर लो। और उसके बाद बात करते हैं स्टीरियो की, स्टीरियो देख लो भाई अपना अल्ट्रा ऑडियो का हमारा स्टीरियो होने वाला है। स्पेसिफिकेशन आपको एक बार मैं सेटिंग में ले जाकर दिखाता हूँ इसकी कितनी स्पेसिफिकेशन रहने वाली है। तो भाई जैसे कि स्पेसिफिकेशन देख तो आपको एंड्रॉइड वर्जन में आपको 12 मिल जाएगा। मेमोरी ये देखो जैसे कि दिखा 4 GB हमारा वो है रैम है, और 32 GB हमारा स्टोरेज है। तो ये भी हो चुका भाई पूरा का पूरा कंप्लीट, अपना स्टीरियो की क्वालिटी बहुत अच्छी है भाई, इसका एक बार फ्लो देख लो भाई कितना प्यारा फ्लो है, और क्वालिटी देख लो भाई इसमें एक तो मेन वीडियो क्वालिटी की कितने हमारे पी पे वीडियो चलते हैं, तो इस पर आपको मिलेगी 1080p की वीडियो यानी फुल HD इसको बोलते हैं, तो फुल HD वीडियो का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। एक बार आपको मैं दिखा दूंगा एक बार। और बात करते हैं हमारे जो कंपोनेंट लगे थे, आगे हमारे 2 सोनी के कंपोनेंट है, और पीछे जो लगे हमारे 2 कोएक्सल लगे
है। बाकी अभी ये बल्ब चेंज होना है, अभी बल्ब चेंज कर देंगे इसको, प्रॉपर व्हाइट रोशनी आ जाएगी। तो बस गाड़ी के इंटीरियर में कुछ ज्यादा चेंज नहीं था, जितना भी चेंज था बस इतना ही छोटा मोटा था, यानी हमारा ये सीट कवर्स हो गया, हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल हो गया, स्टीरियो हो गया और हमारा कंपोनेंट हो गया। तो गाड़ी के इंटीरियर में मोस्टली यही काम होता है, जिसको कराना तो भाई रूफ भी करा सकता है, इंटीरियर का पूरा काम करा सकता है, गत्ते मतलब कई सारी चीजें हो सकती है होने को। तो ठीक है, तो यही काम था गाड़ी के अंदर। एक बार चलते हैं अब गाड़ी के बाहर और देखते हैं और क्या क्या काम हुआ है। उससे पहले एक बार चेक कर लेते हैं हमारे जो स्पीकर की जो आवाज़ है, हमारे स्पीकर की आवाज़ कैसे रहने वाली है। तो भाई चलाते हुए वीडियो, ये देखो भाई यहाँ से नहीं, अब हम आवाज़ बढ़ाएंगे भाई, देखो यहाँ से प्रॉपर भाई वर्किंग है। ठीक है, ये देखो भाई देख लो, बिल्कुल अच्छी बढ़िया वाली क्वालिटी रहने वाली है। गाने की टाइपिंग देख लो, जैसा कि आवाज सुन के भी आपको अंदाजा लग गया होगा, तो अपना ये काम भी हो चुका है कंप्लीट। और एक बार बात कर लेते हैं दोबारा, जो हमारे गाड़ी के साइड में क्या साइड प्रोफाइल पे क्या क्या काम हुआ है। तो सबसे पहले तो देख लो भाई, हमारी इसमें ग्लाइडिंग लगी है, क्रोम वाली साइड ग्लाइडिंग जिसको बोलते हैं, ये देखो भाई प्रॉपर लग चुकी है। उसके बाद बात कर लेते हैं भाई लोअर गार्निश की, तो ये चीज़ चेक करो भाई, प्रॉपर लोअर गार्निश यहाँ पे लग चुकी है। और ये वॉल स्टील नहीं है भाई, जिससे हाथ कर जाए, लेकिन है ये स्टील ही, लेकिन बढ़िया वाली स्टील है, जो लोकल स्टील होती है भाई उनसे ना हाथ कर जाता है इन एरिया से। ठीक है, उसके बाद बात कर ले हमारे डोर वाइजर देख लो, प्रॉपर पंच वाले ओरिजिनल वाले जो आते हैं वही सेम है, डोर वाइजर लग चुके हैं। और एक बार बात करते हैं बैक की तरफ, तो ये देखो भाई हमारा बैक कैमरा लगा हुआ है बिल्कुल छोटी सी जगह में भाई, किसी को दिखे भी ना, ये देखो भाई ये भी लग चुका है। और इसके बाद बात करते हैं ऊपर की तरफ, देख सकते हो भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक स्पॉइलर, स्पॉइलर परफेक्ट एक बिल्कुल स्पोर्टी लुक के लिए हमारा आता है, तो ये वही वाला स्पॉइलर। और एक बात साइड की तरफ चलते हैं, भाई यहाँ पे आपको भाई हमारे मिल जाएगी रूफ रेल, रूफ रेल होता है नेट बोल्ट वाली लगाना भाई बेकार है, फिर उसमें आपको नेट बोल्ट यहाँ पे कसने पड़ेंगे, तो उससे ज़्यादा बेटर ये है, क्योंकि हमें तो दिखाना ही है हमें कौन सा इस पर यार लोड देना है ना भाई। तो हमारे यहाँ पर लग चुके हैं रूफ रेल भाई, प्रॉपर ये टेप इसलिए लगाई था कि अच्छी तरह चिपक जाए, तो ये काम था। और एक बार बात कर ले हमारे जो अलॉय की, तो अलॉय तो इस पर लगी नहीं, तो भैया ने सोचा बड़ा है हमारा व्हील कवर, तो व्हील कवर देख लो हमारा प्रॉपर एक ग्रे एंड ब्लैक फिनिश के साथ आता है, और गाड़ी के लुक को बहुत ज़्यादा एनहांस करता है। एक बार दूर से मैं दिखा दूँ, ये चीज़ चेक करो, तो ये देखो ये भी हो गया। तो लगभग जितना भी काम था हो चुका भाई कंप्लीट। और यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें एक बार देख लो भाई, ये हमारे जैसे मड फ्लैप हो गया जो हमारे कीचड़ वीचड़ को बचाता है। और एक बार ये देख लो भाई रिफ्लेक्टर, रिफ्लेक्टर हमारा जो मेन है अभी, इसको मैं एक बार चलवा के दिखाता हूँ। भैया रोहित भैया रिफ्लेक्टर ऑन करना एक बार, इंडिकेटर देना, ये तो भाई रिफ्लेक्टर देखो अभी जब इसको इंडिकेट करेंगे तो देखो भाई ये कुछ ऊपर की तरफ जाएगा इसका साइन, ये देखो भाई चेक करो। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। और एक चीज रह गई हमारी, जो कि हमारे कैमरे की टेस्टिंग है, पर हम कैमरे की भी टेस्टिंग कर लेते तो हमारा पूरा का पूरा काम हो जाएगा कंप्लीट। तो एक बार चलते हैं, एक बार करते हैं कैमरे की टेस्टिंग। तो ये देखो भाई कुछ ऐसी क्वालिटी रहने वाली है, बिल्कुल बढ़िया क्वालिटी मिल जाएगी आपको बैक कैमरे की, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और एक बार पीछे का पोर्शन मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो भाई बाहर कुछ ऐसा है, स्क्रीन पे कुछ ऐसा मिल जाएगा। तो टोटल कैमरे का भी जो काम है हो चुका है पूरा कंप्लीट, और जितना भी काम था टोटल पंच का हो चुका है वो कंप्लीट। और एक बार राहुल भैया से पूछते हैं कि कितने बजट में ये आपका ये काम हो जाएगा, अगर आपको किसी को करवाना हो तो भाई उसके लिए नीचे नंबर दे रखा है, सीधा राहुल भैया को कॉल कर दो और पूछ लो भाई अपनी अपनी गाड़ी के बाद, जिसके पास जो सी गाड़ी बाद उस हिसाब से आपको कम से कम बजट में मिल जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बजट में मिल जाएगा। तो भाई सामने हमारे भैया हैं, भाई भैया की नई गाड़ी है, भैया ने पंच लिया है ना भैया, तो कब लिया भैया आपने? कल। और आज सीधा काम कराने आ गए? जी भाई। तो राहुल भैया क्या क्या काम कराते हैं इसमें आज? आज पंच आई थी हमारे पास, पहले किसी और की दुकान पे थी, फिर उसके बाद हमारे पास कोटेशन लेने आई थी। ठीक है, उसके उनसे कोटेशन लिखा, फिर ये तीन चार शॉप इन्होंने ट्राई किया। अच्छा, मतलब ट्राई भी किया, फाइनल हुआ हमारा काम स्टार्ट हो गया। मतलब ट्राई वराई का अच्छे अच्छे तरह कर वर्क करने, बहुत अच्छा ऑनर ये है। अच्छा, डील इन्होंने किया सारा का सारा। अच्छा, मतलब पूरा निचोड़ निचाड़ के, मतलब कुछ नहीं छोड़ा, पूरा काम वैसा बेस्ट, बहुत अच्छा लगा राहुल भाई से। ठीक है, और काम मतलब कैसा लगा भैया? बहुत अच्छा, मैं मानता हूँ थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि साथ के साथ मैं भी देख रहा था आज, टाइम यार थोड़ा ज्यादा, आज भैया का फेस्टिवल भी है लेकिन टाइम भी लग गया, लेकिन काम की देखो भाई 100% गारंटी देता हूँ कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जी, जी, और भैया सामान कैसा लगा इसमें सारा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और नेक्स्ट टाइम भी अपने पास अपना यही है। हाँ, मैंने सुना है कि भैया हमारे नई गाड़ी का प्लान कर रहे हैं, नई गाड़ी, तो फिर कब तक आना है दोबारा, कब तक मिलोगे? अच्छा, तो फिर कब? दो ढाई महीने बाद दोबारा मिलेंगे। तो जितना भी काम था हमारा पंच का हो चुका है कंप्लीट, रेटिंग वेटिंग की हमने बात कर ली, 10 में से 8 रेटिंग हमारे लिए काफी है भाई, धीरे धीरे करके टाइम को भी हो सके तो और जल्दी कराएंगे, नए नए कार्य कर ले आएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, वीडियो करना लाइक, चैनल को करना सब्सक्राइब, और कमेंट ना करना भूले भाई, जरूर कमेंट जरूर करना करो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे दोबारा नए वीडियो में।